हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में स्पेशल इंग्लिश में क्लास एट्थ का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नथिंग यू कैन डू। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप में चाह है तो कुछ करने की। कि कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में ये लेसन है और काफी इंटरेस्टिंग लेसन है। यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। दिल्ली तक ट्रेन पर चढ़ते ही एक कंपकपाती ठंड मेरी रीढ़ से होकर गुजरी, और यह नवंबर का मंथ था जो कि बहुत ज्यादा उस समय ठंड रहती है, और यह शाम का समय था, और मैं शुक्रगुजार था अपनी उस शॉल का जो मेरे कंधे पर थी, और जिसे उस शॉल के होने से लोग मुझे नोटिस नहीं करते थे, और वो जो शॉल है मेरे कंधे पर हमेशा रहती थी, और मेरे एक साथी की तरह वह 12 महीने साल के 12 महीने ही मेरे साथ रहती थी, और उस शॉल का यूज में मेरा जो स्टंप मतलब जो मेरा हाथ कटा हुआ था, ठीक है ना, कोनी से जो हाथ कटा हुआ रहता है उसे स्टंप बोलते हैं, ठीक है। स्टंप को छुपाने में जो मेरा राइट हैंड था उसे छुपाने में वो क्या करता था, मेरी मदद करता था, और यही वो ट्रेन थी जिसने मुझे यह डिसेबिलिटी दी थी। यहाँ पर जो बात जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस मैन मतलब जो वो जो शरद है, ठीक है ना, उस व्यक्ति का नाम शरद है, और उस शरद का जो हाथ है इसी ट्रेन में कट गया था, और इसी ट्रेन ने क्या किया था, शरद को डिसेबिलिटी दी थी। और वह कहाँ का सफ़र कर रहा था, वो सफ़र कर रहा था दिल्ली का सफर कर रहा था उस समय पे। 3 साल पहले थर्ड मिलेनियम में ये घटना हुई थी। माय लेफ्ट सीट इन एन एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर हैविंग सुपर मतलब रात के खाने के बाद मैंने अपनी सीट छोड़ी, और मैं I washed my hands at the sink, और मैंने अपने हाथ सिंक जो दरवाजे के साइड में था, अपने कंपार्टमेंट में डोर के साइड में था सिंक, वहाँ पर मैंने अपना हाथ धुला ही था। जैसे ही मैंने अपना हाथ धुला और मैं वहाँ से मुड़ा, अचानक ट्रेन में ने जर्क लिया मतलब धक्का दिया, एक झटका सा वहाँ पर ट्रेन में हुआ, और उसके कारण मेरा बैलेंस संभल नहीं पाया, और मैं क्या हो गया, ट्रेन के बाहर गिर गया। जैसे ही मैं अपनी पीठ के बल ट्रेन पर गिरा, ट्रेन का जो पहिया था वो मेरे राइट जो राइट हैंड था उसने उस राइट हैंड के आर्म को उसने क्या कर दिया, मेरा जो कोनी से मेरा हाथ था उसे काट कर अलग कर दिया। कुछ घंटों तक मैं दर्द से तड़पता रहा, बहुत दर्द से तड़पता रहा, और मैं वहीं पर पड़ा रहा, और मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रही, और मैं उस दर्द को सहता रहा, जब तक कि वहाँ पर कोई इंस्पेक्टर जो जांच करता था वहाँ का, जब तक वहाँ से नहीं गुजरा, और उसने मुझे वहाँ पर उसने मुझे देखा और मुझे उसने हॉस्पिटल तक ले गया। उन्होंने कहा कि
उन्होंने कहा कि मेरा जो स्टंप है, जो लिम है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन मैं बट आई लिव, लेकिन मैं ज़िंदा था और मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, बट आई हैव टू लिव विद दिस डिसेबिलिटी, पर मुझे इस डिसेबिलिटी के साथ जीवित रहना पड़ेगा। इस स्टंप के साथ जो मैं सभी से इस स्टंप को अपनी शॉल के सहारे क्या करता हूँ, छुपाता हूँ। यह जो कंपार्टमेंट है वो पूरा फुल है, बट मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल दैट मेरी जो सीट है वो क्या है, वो रिजर्व्ड है। और मैं वहाँ से क्या कर रहा था, मैं नर्वसली वहाँ से पास हो रहा था, चल रहा था मेरी सीट तक, मेरे सूटकेस के साथ जो कि मेरे लेफ्ट हैंड में था। कुछ मिनट्स के बाद मैं अपनी सीट पर बैठ गया। और मैं फ्लोर पर देख रहा था, किसी से मैं नजरें नहीं मिला पा रहा था। और मेरे जो ट्रबल मेट्स थे, मैं उनसे डर रहा था, क्योंकि मैं अपने स्टम मैं अपनी डिसेबिलिटी को उनसे छुपा रहा था, और मैं किसी को अपनी वो डिसेबिलिटी नहीं दिखाना चाहता था। और मैं ये सोचता था कि कहीं कोई मेरी जो डिसेबिलिटी है वो देख ना ले, जिसे मैं अपनी शॉल से छुपाता था। और इसके बाद मेरे आसपास के लोगों ने, कि उनकी चीयरफुल दिलकश आवाज़, खुश मिजाजी ने एहसास मुझे कराया कि मैं उनसे अलग हूँ। और वे सभी यंग बॉयज़ और गर्ल्स थे, वे सभी यंग थे और वे सभी टीनेजर्स थे। और वे दो वहाँ पर दो बॉयज़ और गर्ल थी, ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली, और सभी के सभी बहुत ही एक्साइटली बात कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, पूरे उत्साह के साथ वे बात कर रहे थे। तब किसी ने मुझे बोला, हाय, क्या आप भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ओलंपिक्स में, किसी ने मुझसे पूछा। एक कोमल आवाज मेरे बाईं ओर से निकली, किसी ने मुझे आवाज दी, आई एम टॉकिंग टू यू सर, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझसे बात कर रहा है, मुझे एहसास हुआ कि वो एक, मुझे एहसास हुआ कि वो एक एथलेटिक बॉय है। और मेरा डर, क्योंकि मेरी जो शॉल थी वो नीचे स्लिप हो गई थी और मेरे राइट शोल्डर से स्लिप हो गई थी, और उन लोगों ने मेरी डिसेबिलिटी को देख लिया था, मेरे स्टम को उन लोगों ने देख लिया था, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी आंखें आंसू से भर गई थी। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने अपनी आवाज़ को चौंक होते हुए, मतलब मेरी जो आवाज़ थी वो चौंक हो रही थी, मैंने किसी भी तरीके से मैनेज करते हुए कहा,
तब किसी ने कहा, मंजीत डोंट डोंट अपसेट हिम, मंजीत उन्हें अपसेट मत करो। उस लड़की ने बोला जो कि मेरे सामने बैठी हुई थी। मंजीत ने कहा, सेटल होते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए। उस लड़की ने फिर से कहा, बट लेकिन वह आपको हार्म नहीं करना चाहता था, वह आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, यू नो आपको पता है। हम सभी भी दिल्ली जा रहे हैं जैसे कि आप जा रहे हैं, और हम सभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं क्योंकि हम सभी भी आप ही की तरह हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर चौंका और मैंने नम्रता से अपनी आंखें ऊपर उठाई और उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी एज 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं थी, वह 14 वर्ष की लग रही थी और उसका फेस, उसका चेहरा जो था वो एक एंजल की तरह था और उसने एक ट्रैक सूट पहना हुआ था और उसके राइट हैंड में भी मेरी ही तरह स्टंप था, लेकिन वह उसे नहीं छुपा रही थी बल्कि वह स्टंप जो है वो सभी को दिख रहा था और वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तब मैंने अपने राइट में देखा उस लड़के को, जिस लड़की ने उसे मंजीत बुलाया था। उस लड़के ने मेरी तरफ एक बड़ी स्माइल दी, यह इतनी बड़ी स्माइल थी जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा था, इससे बड़ी स्माइल कभी नहीं देखा था। उसने भी एक ट्रैक सूट पहना हुआ था और जिस तरीके से वो बैठा था सीट पर, उससे लग रहा था कि उसके पैर नहीं हैं। तब मैंने कहा कि ये ओलंपिक्स क्या है। मैंने अपनी आवाज़ को मैनेज करते हुए बोला, ओ अच्छा तो आपको पता नहीं है, मंजीत ने कहा, सही में आपको पता नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं था। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं मंजीत हूँ और जो लड़की बैठी हुई है मेरे साइड में उसका नाम है शाहिदा और जो वो लड़का बैठा हुआ है विंडो के पास वो कुमार स्वामी है और जो आइसल सीट पर बैठा हुआ है वो विकास है और मैं एंजल हूँ। उस लड़की ने कहा जिसका चेहरा एक एंजल की तरह दिखाई दे रहा था और सभी ने मुझे हेलो कहा, हेलो कहकर मुझसे इंट्रोड्यूस हुए और मैंने भी उन्हें मेरी कोमल आवाज में रिस्पॉन्ड किया। मैंने कहा कि मैं शरद हूँ, नर्वसली मैंने कहा और उन्होंने भी अपना सर हिलाया। मैंने अपना हाथ खो दिया है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए अबाउट दैट, इस बारे में चिंता मत कीजिए, कुमार ने मुझे बोलते हुए रोका जो कि मेरी तरफ देख रहा था। हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है लेकिन
हमने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा हमने पाया है। ओलंपिक्स एक इवेंट है जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, कंप्लीटली जो विकलांग होते हैं उनके लिए वर्ल्ड में ओलंपिक्स एक इवेंट होता है जो कि डिसेबल पर्सन्स के लिए होता है, और जिसे दुनिया में जो एबल पर्सन होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके ही समान इनके अधिकार होते हैं, इनके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या शो करने के लिए ये ओलंपिक्स होता है, शाहिदा ने कहा। उसने एक इंक्रीजिंग और एक आकर्षित वॉइस में बोला, मैंने हर किसी को सुना, हर बच्चे की एक अलग कहानी थी, हर एक ने कुछ ना कुछ खोया लेकिन उससे कहीं ज्यादा पाया, और उन्होंने जितना खोया उसके बावजूद भी वे कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी से सीखा, और कुछ जीतने के लिए वे आगे बढ़ रहे थे और वे फाइट कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उन्हें प्राप्त हुआ कि नेचर हमें जितना, नेचर अगर हमसे कुछ लेता है तो उससे ज़्यादा कहीं कुछ और बहुत ज़्यादा हमें देता भी है। अगर एक डिसएबल पर्सन डिसएबिलिटी को के अंदर छुपे हुए जितने भी उसके गुण हैं, जितनी भी उसकी, अगर एक डिसेबल पर्सन अपने अंदर छुपे हुए क्षमता को पहचान जाए तो वो काफ़ी कुछ उसे प्राप्त हो सकता है, और उसका जीवन पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुखद समृद्ध हो सकता है। और मैं जानने के लिए उत्साहित हुआ कि ओलंपिक्स क्या होता है। 1972 में ओलंपिक्स की शुरुआत की गई। और ये जो नाम है, ये एबिलिटी ओलंपिक्स से लिया गया है, जो कि 1972 से फिर से शुरू किया गया, और यह जो व्यावसायिक आईएएस को बेहतर बनाने का प्रयास था। विकलांग व्यक्तियों की क्षमता जापान में बनाई गई थी। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसे ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज कहा गया। ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए था, जो कि पूरी दुनिया में ये उनके लिए पहला चांस था कि वो इसमें पूरी दुनिया के सामने अपने आप की जितनी भी क्षमता है उसे मेरिट लिस्ट में लाकर पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकें। मुझे बताया गया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, 1981 को डिसेबल्ड पर्सन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसे मनाने के लिए पहला जो कार्यक्रम है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स आयोजित किया गया था, जो कि टोक्यो में हुआ था, और ये जो इवेंट था
ये बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ, ये इवेंट अभूतपूर्व सफलता थी। इसके बाद 1985 में कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित दूसरे ओलंपिक्स में शूम के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स फेडरेशन IAAF की स्थापना की गई थी। तब से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स ग्रोइंग सफलता के साथ आयोजित किए गए हैं। 1995 में ऑस्ट्रेलिया और 2000 में प्राग प्लेस पर यह आयोजित किया गया था। हम में से कोई भी उस रात नहीं सो पाया था। बच्चों को सुनकर उनके शौक और ओलंपिक्स में उनकी जो घटनाओं का जो उन्होंने वर्णन किया था, मुझ में भी आत्मविश्वास मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा था। जो मेरी शॉल थी जो विकलांगता को कवर कर रही थी वो स्लिप हो चुकी थी, वो गिर गई थी। मैंने कभी इसे देखने का प्रयास नहीं किया, मैंने उसे उठाने का भी प्रयास नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि मैंने फैसला किया कि मैं एक दर्शक के रूप में ओलंपिक्स स्टेडियम जाऊंगा और बच्चों का उत्साहवर्धन करूंगा, बच्चों के लिए वहां पर जाऊंगा। इस दुनिया की हर एक डिसेबल पर्सन के लिए और खुद के लिए मैं उस ओलंपिक्स स्टेडियम जाऊंगा। और यही वह ट्रेन है जिसने मुझे ये डिसेबिलिटी दी थी, और लेकिन यही वो ट्रेन है जिसने मुझे इस डिसेबिलिटी का एक अलग अलग मीनिंग और मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर आया।